आज के टिफिन या नाश्ते की रेसिपी बहुत ही सिंपल, आसान और छोटी सी रेसिपी है, लेकिन बहुत ही ज्यादा टेस्टी, हेल्दी और लाजवाब है। और इसे आज हम बिल्कुल अलग तरीके से और बहुत ही परफेक्ट तरीके से बनाने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं कि मैंने इस रेसिपी को कैसे बनाया है। लेकिन उससे पहले मेरी आप सबसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपको इस रेसिपी या वीडियो में कुछ भी अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और साथ ही मुझे कमेंट में लिखकर जरूर जरूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी या वीडियो अच्छा लगा है या नहीं लगा है। सबसे पहले मैंने लिया है एक मिक्सी जार और इस जार में डालेंगे 1 कप बेसन, 1/4 कप सूजी, ये बारीक वाली सूजी है, इसी के साथ डालेंगे 1/4 चम्मच नमक, 1/2 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, 1/4 चम्मच हींग। अब इसमें 1 कप भर के पानी डाल देंगे। पानी डालने के बाद मिक्सी जार का ढक्कन लगाकर इस मिक्सचर को मिक्सी में पीस लेंगे और स्मूथ बैटर तैयार कर लेंगे। ये बिल्कुल परफेक्ट मेजरमेंट है, 1 कप बेसन है तो 1 कप ही पानी लेना है। कोई भी कप या कटोरी ले ले और उसी से सारा मेजरमेंट रखें, बिल्कुल भी गड़बड़ नहीं होगी। 1 कटोरी में 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर लेंगे, 1/2 चम्मच धनिया पाउडर, टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक, 1/4 चम्मच काली मिर्च का पाउडर और साथ ही मिलेंगे 1/2 चम्मच चाट मसाला। अब इन सभी सूखे मसालों को अच्छे से मिक्स कर देंगे और इसी के साथ ये देखिए एकदम चटपटा सा सूखा मसाला बनकर तैयार है। अब एक बाउल में 2 मीडियम साइज के प्याज लेंगे बारीक कटे हुए, 1 मीडियम साइज की शिमला मिर्च बारीक कटी हुई, बारीक कटी 1 हरी मिर्च। अगर आप बहुत छोटे बच्चों के लिए बना रहे हैं या फिर हरी मिर्च नहीं खाते हैं तो आप हरी मिर्च स्किप कर सकते हैं। बारीक कटा हरा धनिया डालेंगे और 100 ग्राम पनीर लिया है जिसे मैं कद्दूकस करके ले रही हूँ इस तरीके से। अब इस कद्दूकस किए हुए पनीर को भी इसमें ऐड कर देंगे। फ्रेंड्स, वैसे तो पहले ही हम एक चटपटा और बहुत ही बढ़िया सा मसाला बना चुके हैं, लेकिन हम सब्जियां यूज कर रहे हैं तो सब्जियां फीकी ना लगे, इसलिए बिल्कुल थोड़ा सा ही नमक मैंने ऐड किया है। तो आप भी जब नमक ऐड करें तो ध्यान रखिएगा कि बहुत थोड़ा ही ऐड करिएगा। ये देखिए सभी चीजें आपस में अच्छे से मिक्स हो चुकी हैं, इसे साइड करेंगे और जो हमारा बेसन का बैटर था ये भी बिल्कुल अच्छे से सेट हो गया है क्योंकि हमने इसको 10 मिनट का रेस्ट दिया था। बेसन के बैटर को 10 मिनट का रेस्ट जरूर दीजिएगा, तभी ये नाश्ता बिल्कुल परफेक्ट बनेगा। 1 कटोरी में थोड़ा सा पानी लिया है और इसमें 1/4 चम्मच नमक डालकर इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे पानी में। तवे को गैस पर अच्छे से गरम कर लेंगे। तवा जब अच्छे से गरम हो जाए तब गरम तवे पर नमक वाला पानी इस तरीके से छिड़केंगे, जिस तरह आप वीडियो में देख सकते हैं ठीक ऐसे ही आपको भी डालना है। और उसके बाद एक साफ कपड़े से सारे पानी को पोंछ लेंगे और तवे को अच्छे से सुखा लेंगे। अब गरम तवे पर 1 से 1.5 करछी बैटर डालकर इस तरह से गोल गोल घुमाते हुए इस बैटर को फैला लेंगे और आप देख सकते हो कि ये कितना परफेक्ट तरीके से फैल रहा है क्योंकि बैटर हमारा बिल्कुल परफेक्ट बना हुआ है। जब इसके ऊपर की परत ड्राई हो जाए यानी कि इस तरह से सूखी सूखी सी हो जाए तब इसमें ऑयल लगा देंगे इस तरीके से सारी जगह पर। आप तेल की जगह पर बटर या देसी घी का भी यूज कर सकते हैं। ऐसा करने से ना ये नाश्ता ऊपर से बहुत ही ज्यादा क्रिस्पी बनेगा। अब तेल लगाने के बाद ये जो हमने पनीर और सब्जियों का मिक्सचर तैयार किया था इसे हम अच्छे से इस पे फैला देंगे। अब इस मिक्सचर को फैलाने के बाद इसके ऊपर मैं थोड़े से बारीक कटे टमाटर रख रही हूँ, मेरे पास थे तो मैंने यूज कर लिए। ये ऑप्शनल है, आप चाहे तो टमाटर डालें या फिर ना भी लगाएं। अब इसके ऊपर अपना तैयार किया हुआ मसाला डाल देंगे। इसके ऊपर मसाला कितना डालना है ये पूरी तरह आप पर डिपेंड है, आप अपने टेस्ट के अनुसार कम या ज्यादा जितना भी आपको पसंद हो उतना आप डाल सकते हैं। अब स्पैटुला से इसे थोड़ा थोड़ा प्रेस कर देते हैं ताकि ये सारी सब्जी और मसाले जो है वो चिल्ले पर अच्छे से चिपक जाएं। और आप देख सकते हैं कि चिल्ला बिल्कुल भी फटा नहीं है और ना ही तवे पर चिपका है। आप चाहे तो इसे ऐसे ही सर्व करें या अपनी मनपसंद पीसेस में से कट करें या मेरी तरह इसे इस तरह से कट करके बच्चों के टिफिन में दें। बच्चों के टिफिन के लिए तो ये रेसिपी बहुत बढ़िया है ही, आप इसे सुबह के नाश्ते या शाम के डिनर में भी खा सकते हैं। तो इस आसान, हेल्दी और टेस्टी रेसिपी के लिए वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। और रेसिपी आपको पसंद आई है या नहीं प्लीज मुझे जरूर लिख के बताइएगा क्योंकि आपके कमेंट और लाइक मेरे लिए बहुत मायने रखते हैं।